हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आइसक्रीम का जन्म भले ही ईरान या अफगानिस्तान में हुआ हो, लेकिन आज के समय में आइसक्रीम दुनिया के लगभग सभी कोने में बड़े ही स्वाद से खाई जाती है। अलग अलग फ्लेवर में मिलने वाली आइसक्रीम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि यह डेयरी प्रोडक्ट से बनाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी प्रचुर होती है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आइसक्रीम आपको किस समय खाना चाहिए, आइसक्रीम खाने का सही तरीका क्या है, आइसक्रीम खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में आइसक्रीम खाने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और गर्मियों में आइसक्रीम खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस समय इसे खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आइसक्रीम एक ऐसी स्वीट है जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं, दोपहर, शाम या रात के समय। आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते के समय आप आइसक्रीम खाएं तो इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय आइसक्रीम खाना दिन भर के स्ट्रेस को कम करने में और उसे झेलने में आपकी मदद करता है। साथ ही इसमें प्रोटीन होता है, जो आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखता है। यदि आप सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं तो आप रात के समय इसे खाने से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अधिकांश लोगों की जठराग्नि और इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से रात में इसे खाने से आपको सर्दी, जुकाम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। आइसक्रीम खाने का सही तरीका क्या होता है? आइसक्रीम खाने के बाद खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप खाना खाने के तुरंत बाद इसे ना खाकर आधे या एक घंटे बाद खाएं तो इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खाने से आप के पाचन में यह असर डाल सकती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली खाना खाने के बाद आप की जो पाचन अग्नि होती है वह जागृत होती है। खाना सही ढंग से पचाने के लिए जठराग्नि बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खाने से जठराग्नि उत्पन्न नहीं होती है, जिससे हमारा खाना सही ढंग से पच नहीं पाता और हमारा पेट खराब हो जाता है। इसलिए आपको आइसक्रीम खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। कुछ समय बाद आप आइसक्रीम खाइए तो इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुँचेगा। अब आइसक्रीम खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए? आइसक्रीम खाने के बाद कभी भी आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम खाने के बाद कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी या नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी में एंटी रिएक्शन होता है, जो आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डालता है। आइसक्रीम खाने के बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम खाने के बाद आपको गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आप दूध पीना चाहते हैं तो आप ठंडा दूध पी सकते हैं। गर्मियों में आइसक्रीम खाने के फ़ायदे। यदि पोषक तत्वों की बात की जाए तो आइसक्रीम में कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। शायद आपको पता होगा कि आइसक्रीम में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। विटामिन बी टिश्यूज रिपेयर और कोशिकाओं के विकास में भी मदद करता है। आइसक्रीम में विटामिन के अच्छी मात्रा में होता है, जो रक्त के थक्के जमाने वाले तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आपके शरीर में रक्त के थक्के को जमने नहीं देता है। इसके अलावा आइसक्रीम खाना आपको ताजगी से भरपूर करता है। दिन भर आप फ्रेश रहने के लिए आइसक्रीम दिन में एक बार खा सकते हैं। यदि आपको थकान से दूर रहना है तो आप दिन भर में एक बार आइसक्रीम जरूर खाइए। यह आपके थकान को बहुत ही तेज़ी से दूर करता है। आइसक्रीम आपके शरीर से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान को दूर करता है। यदि आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं तो आपको आइसक्रीम जरूर खाना चाहिए। यह आपके मूड को सुधारने में बेहद फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्याएं होती है, उन्हें आइसक्रीम खाना चाहिए। इससे उनका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें मौजूद
कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा यह शरीर में होने वाली गर्मी से भी आपको राहत दिलाता है। यदि गर्मियों में आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए आइसक्रीम आपके लिए बेहद फायदेमंद होती है। आइसक्रीम खाने से आपकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि आइसक्रीम खाने से आपका मूड बेहतर होता है, जिससे आपकी सेक्स लाइफ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मुंह के छालों पर भी यह ठंडक का एहसास दिलाता है। जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं उन्हें आइसक्रीम खाने से काफ़ी राहत मिलती है। आइसक्रीम खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? वैसे तो आइसक्रीम आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, लेकिन आप ख़राब क्वालिटी की आइसक्रीम खाते हैं तो इससे आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की बीमारियां हो सकती है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। सांस फूलने की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, बहुत अधिक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपको हृदय रोग होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। कुछ आइसक्रीम में अधिक मात्रा में फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसा मीठा तत्व मौजूद होता है या मिलाया जाता है, जो डायबिटीज़ का कारण बन सकता है, इसलिए आपको सीमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। सर्दियों में आइसक्रीम खाने के फायदे। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो बहुत से लोग आइसक्रीम खाने के लिए गर्मियों का मौसम चुनते हैं, लेकिन कई लोग सर्दियों के मौसम में इसे खाना पसंद करते हैं, और सर्दियों के मौसम में इसे खाने से आपको कई सारे फायदे भी होते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी या जुकाम की वजह से गले में खराश हो गई है तो आप आइसक्रीम खाइए, इससे आपके गले को राहत मिलेगी। एक सर्वे के अनुसार सुबह सुबह नाश्ते में आइसक्रीम खाना आपके दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। किसी भी समय पर आइसक्रीम खाने से मानसिक तौर पर तनाव कम देखा गया है, तो आप इसे सुबह के समय भी खा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होता है। इसमें प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, तो यह आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है। जिन लोगों की स्किन सर्दियों में काफ़ी रूखी हो जाती है, तो उन लोगों को सर्दियों में आइसक्रीम खाने से ये सारे फायदे मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में इसे खाने से प्रोटीन की मात्रा में मौजूद तत्व आपके शरीर के ऊतक और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसमें B12 और B6 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो आप इसे खाइए, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आपके शरीर से कई तरह की बीमारियां भी दूर होंगी। सर्दियों में इसे खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? इसमें फैट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो यह आपके वजन को बढ़ा सकता है, इसलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इनमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा ऐड की जाती है, जिससे आपके शरीर में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ का खतरा भी आपको हो सकता है, इसलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसे खाने से आपको यह नुकसान हो सकता है। यदि रात के समय आप इसे खाते हैं तो इससे आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको सर्दियों के मौसम में कभी भी रात के समय इसे नहीं खाना चाहिए। शुगर आपके वजन को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करता है, तो आपको इसे रात के समय खाने से बचना चाहिए, या फिर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आप इसे नहीं खाएं। तो ये सारे छोटे मोटे आपको नुकसान हो सकते हैं सर्दियों में आइसक्रीम खाने के। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह